फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सबके सब पर। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम लोग बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट यहां से ओपन कर लें और सबसे पहले यहां पर हम लोग इसके नेम को डिफाइन कर लेंगे। जिस डॉक्यूमेंट को आप कभी भी डिज़ाइन करें, सबसे पहले उसके नेम को आप ज़रूर लिख दिया करें, नहीं तो बाद में परेशानी होगी आपको। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, बिजनेस कार्ड मैं बना रहा हूँ तो बिजनेस कार्ड ही लिखते हैं। अब उसके बाद हम लोग यहाँ से इसकी साइज सेट कर लेते हैं। तो नॉर्मली बिजनेस कार्ड के लिए जो साइज रखी जाती है वो इंचेस में रखी जाती है, ताकि मेजरमेंट करना आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग इसके पिक्सल्स को कन्वर्ट कर देते हैं इंचेस में। यहाँ क्लिक करिए और यहाँ से इंचेस आप सेलेक्ट कर लें। अब इसके विड्थ को हम लोग करते हैं 3.5 इंचेस और हाइट को कर देते हैं 2 इंचेस। रिजोल्यूशन रखेंगे हम लोग 300, क्योंकि प्रिंट कराना है। और कलर मोड आप यहां से CMYK कर दें। फ्रेंड्स, यहां पर आप लोगों का बहुत बार क्वेश्चन आया है कि क्या विजिटिंग कार्ड हो या पोस्टर बैनर जो प्रिंटिंग के लिए होती है, ये सभी हम लोग फोटोशॉप में डिज़ाइन करें या इलस्ट्रेटर या कोरल में करें। तो आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप CMYK रखकर रिजोल्यूशन 300 रखते हैं और कोई भी डिज़ाइन जब शेप में करेंगे तो आप फोटोशॉप में बनाएं या इलस्ट्रेटर में, प्रिंटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर वो 100% में प्रिंटिंग होती है तो। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा बड़ी साइज बनानी हो तो आप इलस्ट्रेटर का यूज़ करें। हमने इलस्ट्रेटर का ट्यूटोरियल स्टार्ट कर दिया है, आप लोग इलस्ट्रेटर को अभी से सीखना शुरू कर दें। हर वीडियो को देखें और उस पर प्रैक्टिकल करें, ताकि फोटोशॉप के साथ साथ आपका इलस्ट्रेटर भी क्लियर हो जाए। तो हमने यहां से विड्थ, हाइट एंड रिजोल्यूशन इन तीनों को सेट कर लिया है और कलर मोड को CMYK कर लेने के बाद यहां से ओके कर लेते हैं। अब ये हमारे पास डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। तो सबसे पहले आप रूलर यहां से यूज करें, Ctrl+R से रूलर ओपन कर लें और इसको आप रूलर से हर तरफ एडजस्ट कर लें। तो ये एक फाइनल साइज है जहां पर हम लोगों को प्रिंट करना है। लेकिन कभी भी जब प्रिंटिंग के लिए कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए मार्जिन छोड़ना बहुत ज़रूरी है। यानी आप बाहर बाहर कुछ हिस्सा खाली रहने दें, ताकि प्रिंटिंग में अगर ये सही से सेट ना भी हो तो बाद में कटिंग करके उसे ठीक बनाया जा सकता है। इसीलिए फ्री साइज रखना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आप यहाँ से इमेज में आ जाएं और यहाँ से आप कैनवास साइज को सेलेक्ट करें और ध्यान रखें कि फिर से इसे हम लोग इंचेस में कन्वर्ट कर देते हैं और 0.25 हाइट एंड विड्थ दोनों में बढ़ा देते हैं, ताकि इतना मार्जिन हमारे पास हो जाए। तो इसमें मैं कर देता हूँ 75, यानी 25 इसमें हमने ऐड कर लिया और इसमें भी 0.25 कर लेते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट में चारों तरफ से 0.25 इंचेस बढ़ जाएगा। अब आप ओके कर दीजिए। ये देखिए साइज बाहर इतना इतना निकल गया है। अब हम लोग सबसे पहले इसके बैकग्राउंड कलर को फिल करते हैं। तो उसके लिए मैं एक कलर कोड यूज करूंगा 184365 और यहां से ओके कर देते हैं। इस कलर को ऑल्ट बैकस्पेस से फिल कर देते हैं। अब हम लोग डिजाइनिंग शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने थंबनेल में जैसा डिजाइन देखा है उसी डिजाइन को मैं बनाऊंगा यहां पर। तो अल्टीमेटली इस विड्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है इक्वली। यहां पर यह भी क्वेश्चन बनता है कि कोई भी साइज को इक्वली आप कैसे डिवाइड करेंगे, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप इसका पूरा सिलेक्शन कर लीजिए। देखिए, सिलेक्शन मैं कर रहा हूं तो इसकी विड्थ आ रही है 1125 पिक्सल्स, यानी 1125 पिक्सल्स। तो 1125 पिक्सल्स को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। कैसे करेंगे, उसके लिए आप यहां से कैलकुलेटर ओपन कर लें और 1125 पिक्सल्स डिवाइडेड बाई 3 और ओके कर दीजिए। ये आ रहा है हमारे पास 375, यानी हर शेप हम लोग बनाएंगे 375 का। तो यहां से मैं शेप टूल लेता हूं। सिर्फ आप यहां पर क्लिक कर दें और यहां पर आप डिफाइन कर दें किस साइज में आपको बनाना है। तो मुझे विड्थ रखना है इसका 375 और इसकी हाइट आप कर लें कोई भी साइज रख लें। 600 साइज है तो मैं इसको कर देता हूं 700, ये थोड़ी बड़ी भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से आप ओके करेंगे। ये देखिए साइज बन गई है। अब आप मूव टूल पर आ जाएं और Ctrl+A प्रेस करें और इसको आप अलाइन कर लें सेंटर ऐसे।
चूंकि दोनों का कलर सेम है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसका कलर चेंज करता हूं। यहां से क्लिक करेंगे और इसका कोड मैं यूज करता हूं 617FB1 और ओके करते हैं। इसका कलर ऑल्ट बैकस्पेस से फिल कर देते हैं और इसे हम लोग प्रॉपर सेंटर में रखते हैं, तो कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर लें और यहां से हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दें और कंट्रोल डी से अब डीसेलेक्ट कर दीजिए। अब हम लोग इसी के एक कॉपी और बना लेंगे, तो कंट्रोल जे से एक कॉपी बना लिया और इसका कलर हम लोग चेंज कर देते हैं दूसरा। तो यहां से मैं इसके लिए कलर कोड यूज करूंगा 2C709D और ओके कर देते हैं और ऑल्ट बैकस्पेस से कलर फिल करते हैं और कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे और अलाइन कर देंगे लेफ्ट और कंट्रोल डी से अब डी सेलेक्ट कर दीजिए। अब एक नॉर्मल डिजाइन हमारे पास रेडी है। इस वाले सेक्शन में हम लोग यूज करेंगे ईमेल आईडी, इस बीच वाले सेक्शन में हम लोग यूज करेंगे एड्रेस और लास्ट वाले सेक्शन में यूज करेंगे मोबाइल नंबर। तो इन तीनों के लिए हम लोगों को आइकन्स की जरूरत होगी। उसके लिए हम लोग फ्लैट आइकन्स पे आएंगे। यहां से आप कोई भी आइकन डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज मुझे मैसेज के लिए या ईमेल के लिए आइकन चाहिए, तो आप यहां पर लिखेंगे ईमेल और सर्च करेंगे तो ईमेल से रिलेटेड आइकन्स आपको मिल जाएगा और यहां से किसी भी आइकन को आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और यहां से आपको डाउनलोड करना है PSD फाइल, क्योंकि इसमें बाद में अगर मुझे कलर वगैरह चेंज करना होगा तो आसानी से PSD फाइल में चेंजेस किया जा सकता है। तो फिलहाल मैं यहां से डाउनलोड नहीं करता हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूं। पिछले कई ट्यूटोरियल्स में मैंने बताया था फ्लैट आइकन से कैसे डाउनलोड करते हैं और यहां पर भी आप देख सकते हैं वैसे ही डाउनलोड करेंगे हम लोग। तो उन सभी आइकन्स को मैंने यहां पर डाउनलोड करके रख लिया है। तो सबसे पहले मैं ईमेल के लिए आइकन यहां से निकालता हूं, इसे ड्रैग करके लाएंगे और लाकर यहां छोड़ देंगे आप, ये देखिए। और इसका कलर मैं फिलहाल वाइट यूज करता हूं, ब्लू पे वाइट अच्छा लगता है, ब्लैक कलर आप नहीं यूज करें। और इसे कंट्रोल टी से छोटा कर सकते हैं ऐसे और इसे लाकर हम लोग यहां रखेंगे। एक रूलर मैं यहां से और लेता हूं और इन सभी को हम लोग बराबर यूज करेंगे और इसको हम लोग मास्किंग कर देंगे इसके अंदर। तो राइट क्लिक करिए और क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देंगे। अब हम लोग यहां पर एड्रेस के लिए आइकन यूज करेंगे, तो यहां से इस एड्रेस वाले आइकन को ड्रैग कर लेकर आएंगे यहां पर और इसका भी कलर हम लोग व्हाइट फिल कर देंगे ऑल्ट बैक स्पेस से। ये दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये इसके अंदर मास्किंग हो गया, तो राइट क्लिक करके इसको रिलीज क्लिपिंग मास्क कर देंगे, ये दिखने लग जाएगा। और इसे ड्रैग करके लेकर आएंगे इसके ऊपर, इस वाले लेयर के ऊपर और कंट्रोल टी से इसे भी आप थोड़ा बड़ा कर दीजिए। अभी मैं रैंडम बड़ा कर रहा हूँ, बाद में हम लोग इसको सेट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ से रूलर निकाल लेता हूँ और इसे सेट कर ही लेते हैं हम लोग, ये ठीक है। तो हम लोग अब इन दोनों गाइड के बीच में इन सभी आइकन्स को सेट कर लेंगे। तो इसे मैं करता हूँ कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करते हैं और इसे छोटा करके इसके बराबर ऐसे कर देते हैं और यस करते हैं। इसे ड्रैग करके लाइए आप इस तरफ, थोड़ा सा बाहर निकाल करके, और इसको भी क्लिपिंग मास्क कर दीजिए आप ताकि ये बाहर दिखना बंद हो जाए। ये एक स्टाइल है। और इसको भी हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यस, और इसे थोड़ा और अंदर लाते हैं, यस। और अब हमें एक मोबाइल का आइकन यहाँ पर यूज़ करना है, तो वो मैं यहाँ से ड्रैग करके लाता हूँ इस पर और लाकर यहाँ छोड़ देते हैं। इसका कलर भी हम लोग वाइट फिल कर देंगे, लेकिन ये क्लिपिंग मास्क इसके अंदर हो गया है, तो राइट क्लिक करके रिलीज क्लिपिंग मास्क पहले कर दीजिए और इसे ड्रैग करके लाइए बैकग्राउंड लेयर पर और इसमें वाइट कलर फिल कर देते हैं और फिर कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करते हैं इसे। यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को समझना ये ज़रूरी होगा कि जो गाइड हमने ये लगाया है, आप अगर इस मोबाइल को इस गाइड के बराबर यहाँ पर निकाल कर इतना रखते हैं तब भी ये प्रिंट होने के बाद वैसे ही दिखेगा जैसा मैं अभी ये दिखाना चाह रहा हूँ। तो फिलहाल मैं बाहर इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि आपको ओरिजिनल चीज़ दिखाई दे कि जब बनने के बाद ये कैसा लगेगा जब प्रिंट होगा तब। तो इसीलिए मैं इसे इतना बाहर निकाल रहा हूँ। आपको रखना है एक्चुअली डिज़ाइन में इस तरह से। अब ये तीनों आइकन्स का काम हो चुका है। अब हम लोग इसके ऊपर कंटेंट लिखेंगे। तो टॉप लेयर पर आ जाइए
और यहाँ से हम लोग टाइप टूल लेंगे। यहाँ ध्यान रखें कि वाइट कलर मैं रख रहा हूँ, इसके ऊपर वाइट कलर ही अच्छा लगेगा। और हमने यहाँ से फॉन्ट फैमिली रोबोटो रखा है। रोबोटो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो वैसे ही फॉन्ट फैमिली को सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है जिसके बहुत सारे ऑप्शंस हो, बोल्ड हो, मीडियम हो, ब्लैक हो, थिन हो, अलग अलग स्टाइल उसका मिल जाए, तो आप वैसे फॉन्ट को यूज़ किया करें। तो उसके लिए रोबोटो एक अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ ईमेल, ध्यान रखें कि आपको कैप्स लॉक में लिखना है, यानी कैपिटल में लिखना है, और यस कर दीजिए। अब उसके बाद हम लोग इसका साइज़ वगैरह यहाँ से चेक कर लेते हैं कि क्या साइज़ हमें रखना चाहिए। तो फिलहाल मैं इसका साइज़ कर देता हूँ 34, थोड़ा बड़ा लगना चाहिए देखने में। और इसका लेटर स्पेसिंग हमने बढ़ा दिया है 50, और इसका स्टाइल हमने रखा है ब्लैक यानी कि बोल्ड। अब हम लोग एक रूलर और यहाँ से लेंगे और यहाँ पर इस तरह से रूलर हमने लगा लिया। ये सभी रूलर आप वैसे ही लगा लें हर जगह पे, और उसके बराबर ही आपको अलाइन करना होगा। अब आप पूछेंगे कि रूलर सब बराबर कैसे होगा, तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप यहाँ पर काउंट कर लिया करें कि यहाँ से लेकर इस गाइड तक कितने पिक्सल्स हैं। और अगर ये भी आप नहीं कर सकते तो जूम करके यहाँ से रेक्टेंगल मार्की टूल ले लें और यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करें और देख लें कि इसकी विड्थ कितनी हो रही है, कितनी हो रही है, ऑलमोस्ट 39 पिक्सल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी 39 पिक्सल्स को यहाँ पर भी चेक कर लेंगे कि है या नहीं है। ये ज़्यादा है तो हम लोग ऑलमोस्ट इतना करना होगा, तो इसे पकड़ कर लाएंगे इस तरफ और कम कर देंगे। अब ये हमारा ठीक हो गया है। इसी तरह से अब हम लोग यहाँ पर भी गाइड को यूज़ करेंगे, यहाँ से गाइड लेंगे। ध्यान रखें कि ये जो एरिया है ये मार्जिन है, तो इस गाइड के बाद यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, हम लोगों को थोड़ा कम करना होगा। तो ये ऑलमोस्ट ठीक है, तो ये गाइड हमने सेट कर लिया है। अब हम लोग इन सभी टेक्स्ट को एडजस्ट करेंगे। इसकी कॉपी कर लीजिए, शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे, ऑल्ट प्रेस करके हमने कॉपी किया और शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग किया तो सीधी लाइन में ये कॉपी हो गई। अब फिर से मैं इसकी कॉपी कर रहा हूँ ऑल्ट प्रेस करके और ड्रैग करके इस गाइड के बराबर लाकर आप छोड़ दीजिए, ऐसे लाकर मिला दीजिए। अब हम लोग सिर्फ इसके टेक्स्ट को चेंज कर लेंगे। ये ईमेल है, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं एड्रेस और इसको अलाइन कर लेते हैं मूव टूल पर जाकर, फोन और यस करते हैं और इसे भी अलाइन कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ से ईमेल आईडी लिखेंगे, तो मैं ईमेल आईडी भी लिख लेता हूँ। ध्यान रखें कि अब जब हम लोग ईमेल आईडी लिख रहे हैं तो ये बोल्ड नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से हम लोग इसको हटा देते हैं और इसको कर देते हैं रेगुलर। और इसकी साइज़ अभी 34 है, साइज़ इसकी भी कम करनी होगी तो हम लोग कर देते हैं 30। और ये कैप्स लॉक में नहीं होना चाहिए, इसको हटा देते हैं कैप्स लॉक को। और यहाँ से अब लिखते हैं हम लोग ईमेल आईडी सबके सब @gmail.com और यहाँ से इसको भी हम लोग अलाइन कर देते हैं। आई थिंक ये साइज़ थोड़ी बड़ी है, इसे हम लोग और कम कर देते हैं 24। और इसकी एक कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको मैं कर देता हूँ वेबसाइट, यहाँ पर मैं दे देता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा www.sabkesab.com। फ्रेंड्स ये वेबसाइट भी बहुत जल्द मैं लाइव करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। अब हम लोग इसकी एक कॉपी करते हैं और तो मैं एड्रेस यहाँ पर मैं अपना लिखता हूँ C58 ओखला हेड ओखला न्यू दिल्ली 110025। ये कंप्लीट एड्रेस है, इसे मैं राइट अलाइन करूँगा यहाँ से क्लिक करके और इसे फिर हम लोग लेकर आएंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने पूरा कंटेंट फीड कर दिया है। अब हम लोग इन सभी कंटेंट को यहाँ से ग्रुप कर देते हैं सिलेक्ट करके, यस, अपने इस डिज़ाइन को और बेहतर बनाना यानी लुक वाइज अच्छा करना। तो उसको कैसे करेंगे वो देखिए। हम लोग इस टॉप लेयर पर आएंगे और यहाँ से एक न्यू लेयर ओपन करेंगे और इस न्यू लेयर में हम लोग फिल करेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वाइट कलर का होना चाहिए और यहाँ से रेडियल ग्रेडियंट होना चाहिए और सेंटर में आकर आप ऐसे ड्रैग करेंगे और उसके बाद हम लोग इसका
मोड यहां से चेंज कर देंगे ओवरले में, फिर आप देखिए लुक। अब इसकी ओपेसिटी आप थोड़ा कम कर दीजिए, फिर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 25% के आसपास। अब आप देखें पहले और अब, पहले और अब, तो ये इफ़ेक्ट भी देना ज़रूरी था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से एक सिंपल बिजनेस कार्ड आप बना सकते हैं। अभी आप लोगों के लिए बहुत सारे डिज़ाइन अपलोड करूंगा, आप बस इसी तरीके से वीडियोस देखते रहें और उसकी प्रैक्टिस करते रहें। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे वीडियोस अपलोड करूंगा जो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।